यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों, हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो चैप्टर नंबर 5 की वीडियो सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और बाइनरी फाइल हैंडलिंग के बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं. जो आज का टॉपिक है वो व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल. ठीक है, दीज आर सम वेरियस ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल. सी, राइटिंग इन अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, अपेंडिंग अ रिकॉर्ड इन द फाइल, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड एंड अपडेटिंग अ रिकॉर्ड इन अ फाइल. दीज आर सम वेरियस ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल्स. तो वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं. तो आज हम एक एग्जाम्पल पिक कर रहे हैं, हाउ डू वी इंसर्ट द रिकॉर्ड, ठीक है, इन अ फाइल, एंड हाउ डू वी रीड दैट रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल. तो देखिए, प्रैक्टिकली करेंगे इसको. आई एम गोइंग टू ओपन पाइथन आइडियली. इसको स्टार्ट कराने से पहले एक 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट करते हैं. बच्चों, आपको ध्यान है, अगर आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी थी तो आप किस तरह से क्रिएट करते थे? लेट्स से यहाँ पे रिकॉर्ड मैं वेरिएबल ले रही हूँ, दिस इज माई एम्प्टी लिस्ट. ठीक है, रिकॉर्ड किसको पॉइंट कर रहा है? एम्प्टी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है. नाउ द पॉइंट इज, अब आप ध्यान दीजिए, मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट मैं इंसर्ट कर रही हूँ. ठीक है, स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रही हूँ. मैं डेटा एक वेरिएबल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें रोल नंबर 1 इंसर्ट कर रहे हैं, लेट्स से आशु. ठीक है, और मार्क्स इज 98. आपने ये लिस्ट एक क्रिएट की है, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ठीक है, ऑफ रोल नंबर 1, जिसमें आप रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स इनपुट कर रहे हैं. इफ यू वांट टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड इनसाइड दिस लिस्ट, तो आप करते क्या हैं? आप सिंपली अपेंड, ठीक है, अपेंड कमांड की हेल्प से आप लिस्ट को अपेंड कर देते हैं. ये देखिए, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो गया. ठीक है, लिस्ट इसमें इनपुट होगी. सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड, ठीक है, रोल नंबर 2, ठीक है, लिस्ट. अब नाउ आई वांट टू अपेंड दिस लिस्ट. आप कैसे करेंगे? ये देखिए, आपके पास इस लिस्ट विद इन लिस्ट क्रिएट हो गई है. ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये 0th रिकॉर्ड है, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है, और आई कैन से सेकेंड रिकॉर्ड है इस पर्टिकुलर लिस्ट में. हमने आपको सबस्क्रिप्टिंग भी बताई थी. देखिए, अगर आपको रिकॉर्ड नंबर 0 डिस्प्ले कराना है, सॉरी बच्चों, तो रिकॉर्ड नंबर 1 से रिलेटेड डिटेल, रोल नंबर 1 से रिलेटेड डिटेल आपको डिस्प्ले हो गई है. आपको रिकॉर्ड नंबर 2 से रिलेटेड डिस्प्ले कराना है. आपको ध्यान होगा, इसमें इंडेक्स वैल्यू 0 से आपकी स्टार्ट होती है, तो आप इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे लिख करके, नाउ आप आइट्रेट कराना चाहते हो बच्चों, तो आप कैसे कराओगे? आप ध्यान देना बच्चों, फॉर आई इन किस में गई हुई है वैल्यू? रिकॉर्ड में, और मैं प्रिंट आई को कराना चाहती हूँ. ठीक है, आपने ध्यान दिया. ये देखिए, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ है? रिकॉर्ड नंबर 1 डिस्प्ले हुआ है, रोल नंबर 2 डिस्प्ले हुआ है. अब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले वॉट द वैल्यू विच इज एट पोजिशन 0, आइटरेट ही कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा. मैं यहाँ पे 0th पोजिशन पे जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराऊंगी. तो ये देखिए, 0th पोजीशन पे 1 एंड 2. सो यही इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे ध्यान देना है, इसका यूज करेंगे. चलिए, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, हाउ टू वी आर रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू द फाइल. मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मेन्यू फॉर दैट. रीड और राइट का एक अलग से फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं. रीड के लिए एक फंक्शन हमने क्रिएट किया,
और यहां पे हम एक राइट के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। उससे पहले आप क्या करेंगे, पिकल को इंपोर्ट करेंगे। सो आप इंपोर्ट पिकल एज पी अलाइज ले लिया, यू गेटिंग। नाउ हम सबसे पहले राइट फंक्शन लिखते हैं। राइट करने के लिए यू हैव टू ओपन द फाइल। सो आपने हैंडल लिया, फॉर एग्जांपल आउट फाइल इज इक्वल टू ओपन। आप यहाँ पे विद स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, विद ओपन से भी कर सकते हो। ओपन किया, फॉर एग्जांपल फाइल नेम इज स्टूडेंट डॉट डेट। आप मोड ले रहे हैं डब्ल्यू बी, आप डब्ल्यू पी प्लस मोड भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ द फाइल इज देयर तो क्रिएट हो जाएगी इन द केस ऑफ डब्ल्यू बी प्लस मोड। इफ द फाइल इज नॉट देयर, सॉरी इफ द फाइल इज नॉट देयर, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इफ द फाइल इज देयर, वो फाइल वो आपकी यूज कर लेगा। तो आइदर ऑफ आप ले सकते हैं। मैंने क्या किया, फाइल ओपन कर ली। यू वॉन्ट टू इंसर्ट द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। एक वेरिएबल ले लेते हैं रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की मैंने, ठीक है। एंड यू नो रिकॉर्ड, सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, यूजर जितना चाहता है उतने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली मुझे व्हाइल लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यूजर से चॉइस भी पूछनी है। मैंने एक चॉइस वेरिएबल ले लिया जिसमें ट्रू वैल्यू वाई इंसर्ट कर दी। यहाँ पे हम वाइल स्टार्ट कर रहे हैं, वाइल ट्रू, आपको समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रू लूप ले रहे हैं, ट्रू वाइल लूप ले रहे हैं कि जब तक चॉइस की वैल्यू ट्रू है तब तक वो कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहेगा। जब वाइल की वैल्यू, जो चॉइस की वैल्यू, आई मीन दिस लूप गोज ऑन कॉन्टिन्यूइंग जब तक आपका ट्रू रहेगी कंडीशन, ठीक है। और जब ट्रू नहीं है कंडीशन तो वो केस मुझे देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, रोल नंबर के लिए हम आर एन ओ ले लें, ठीक है। इंट इनपुट रोल नंबर, राइट। नेम के लिए आर नेम ले लिया, ठीक है। इनपुट एंटर नेम, एंड मार्क्स के लिए मैंने मार्क्स ले लिया। इनपुट राइट। Now I want to insert all these records in a list, ठीक है। क्यों ऐसा, मैंने अभी आपको समझाया है, बिकॉज कंप्लीट रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहती हूँ, इज इक्वल टू सो आर एन ओ कॉमा आर नेम, ठीक है बच्चों, एंड मार्क्स। ये देखिए बच्चे, आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसमें आपने कंप्लीट रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, ठीक। अब आप क्या करना चाहते हैं, जो आपने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है आप उसको अपेंड करना चाहते हैं। इसमें क्या वैल्यूज, जो डेटा में आई है वो वैल्यूज आप डालना चाहते हैं। अब यूजर से पूछना है मुझे, डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो चॉइस में इनपुट आना चाहिए, ठीक है। इनपुट Do you want to enter more records? Press yes or no. So if अगर user input करता है no, उस case में मेरा loop break हो जाना चाहिए, ठीक है। If choice is equal to no, और मे बी वो कैप्स लॉक में भी इंसर्ट कर सकता है, तो ये भी चीज हमें साइमल्टेनियसली देखनी पड़ेगी, ठीक है। उस केस में
लूप मेरा ब्रेक होना चाहिए. आपको मालूम होगा ब्रेक इज अ जंप स्टेटमेंट. बाकी वी हैव थ्री जंप स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज ब्रेक. बाकी टू ब्रेक स्टेटमेंट्स कौन सी है आप मुझे कमेंट में लिख के दिखाएंगे. नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं और लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं. लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो रिकॉर्ड इनपुट हुए हैं वो मुझे फाइल में स्टूडेंट डॉट डेट फाइल के अंदर राइट भी करने हैं. सो राइट करना मीन्स व्हाट, आपके पास मुझे मैंने आपको बताया था वी हैव टू फंक्शंस लोड एंड डंप. डंप फंक्शन क्या करे, डंप मीन्स हमें हमारे पास जो चीज़ है हमने उसको उठा के डाल दिया. सो हमारे पास रिकॉर्ड में वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने उसको उठा करके फाइल के अंदर डालना है. तो उस केस में अब आप यहाँ पे राइट के लिए क्या यूज करेंगे, डंप यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लूप के बाहर आ गया, रिकॉर्ड में एंट्री हो चुकी है, अपेंड हो चुकी है लिस्ट. अब मुझे विद द हेल्प ऑफ दिस, अब यू नो कि डंप आपका फंक्शन पिकल का फंक्शन है. ठीक है, पिकल ऑब्जेक्ट का, पिकल आपका मॉड्यूल का फंक्शन है. तो आपने क्या किया, पी डॉट, ठीक है, डंप. आप किसको डंप करना चाहते हो, रिकॉर्ड को. ठीक है, लिखोगे आप ऐसे कॉमा. किस में डंप करना चाहते हो, फाइल के अंदर, राइट. लास्ट में मैं फाइल को क्लोज करना चाहती हूँ. सो आउट फाइल डॉट क्लोज, आई क्लियर हुआ होगा. चलिए अब ये देखते हैं, ये तो हमने राइट कर दिया, अब रीड करना है मुझे. सो रिकॉर्ड को रीड करना है. सो रिकॉर्ड को रीड करने के लिए अगेन फाइल को मुझे ओपन करना पड़ेगा. मैंने हैंडल ले लिया, इन फाइल एफ कुछ भी ले सकते हो आप. इज इक्वल टू फाइल मैंने ओपन करी स्टूडेंट डॉट डेट. किस मोड में ओपन करी मैंने, आरबी मोड. आरबी मोड क्यों लगाया है ये ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, बिकॉज ये बाइनरी फाइल है इसलिए हम आरबी मोड लगाएंगे. नाउ आपको क्या करना है, अब लोड करना है. ठीक है, फाइल से बाहर निकालना है. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, किस मॉड्यूल का यूज करेंगे, लोड पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन का यूज करेंगे. तो लोड करने के बाद किसी में तो डालना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आरईसी. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लोड कर रही हूँ पी डॉट लोड. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से लोड करना है आपको, इन फाइल हैंडल दिया है, इन फाइल से और लोड होकर के आरईसी में स्टोर हो जाए. अब मैं डिस्प्ले भी कराना चाहती हूँ, राइट. अभी सिंपल लेते हैं, सिंपल लेते हैं, फिर चेंजेस करेंगे. प्रिंट रिकॉर्ड्स इन द फाइल आर, प्रिंट आरईसी एंड अब हमें साइमल्टेनियसली मेन्यू भी चाहिए. यूजर जो चाहे उसको उसके अकॉर्डिंगली, सो मैंने ऑप्शन भी लेना पड़ेगा. ऑप्शन किस लिए, यूजर से इनपुट करवाना है कि आपको रीड करना है या राइट करना है. इनिशियली हमने ऑप्शन की वैल्यू 1 रख ली. मुझे वाइल लूप लेना पड़ेगा, वाई, बिकॉज मैं चाहती हूँ जब तक यूजर एग्जिट नहीं करे तब तक वो कंटिन्यूएशन में मुझसे पूछता रहे कि अब आप क्या चाहते हो. वाइल ट्रू नाउ व्हाट, प्रिंट करना है वन डॉट राइट, रीड कर लेते हैं, टू आ गया, और एक एग्जिट का भी बना लेते हैं. या तो आप एग्जिट का ले लीजिए, नहीं तो एक कंडीशनल चेक कर दीजिएगा, अदर देन दिस है तो एग्जिट हो. ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अब मुझे यूजर से चॉइस पूछनी है. एंटर योर चॉइस. ठीक है, अब इसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू इंट टाइप ली है.
ठीक, अब चेक करना है, कंडीशन लेनी है, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू वन उस केस में राइट फंक्शन कॉल होना चाहिए, एलिफ ऑप्शन इज इक्वल टू टू उस केस में आपका रीड फंक्शन कॉल होना चाहिए। आप ध्यान देना, यहां पे अगर मैं else सिंपल ले लेती हूँ, ठीक है, else तो क्या होगा, अदर देन वन एंड टू जो भी मैं प्रेस करूंगी थ्रू कीबोर्ड वो इट कैन बी यूज्ड एज एग्जिट। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर आपने मेन्यू में नहीं लिया else लेके और यहाँ ब्रेक कर दीजिए, व्हाट डज दिस मीन कि वन और टू के अलावा जो भी कुछ इनपुट होगा तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि यूजर जीरो प्रेस करे तो मैं यहाँ पे एलिफ के साथ ऑप्शन को चेक करा लेती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो, ब्रेक हो, राइट, दिस इज द प्रोग्राम आई एम हैविंग। अब चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोग्राम मेरा सेव हो गया, आपको एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। फाइन, ठीक है, ये देखो अब आपका मेन्यू डिस्प्ले हो गया। सो एंटर द रोल नंबर, रोल नंबर वन में इनपुट किया, नेम, नेम मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंटर मार्क्स फॉर एग्जांपल 98। डू यू वांट टू ऐड मोर, यस, एंटर, एंटर द रोल नंबर टू, मार्क्स आपने सपोज 97। रोल नंबर थ्री, लेट्स से रुचि, मार्क्स लेट्स से 86। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, एंटर द रोल नंबर फोर, नेम, एंटर द मार्क्स फॉर एग्जांपल 88। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, नो, ब्रेक हो गया। अब नाउ आई टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, तो मैं क्या करूंगी, नंबर टू के लिए ऑप्ट करूंगी, यहां पे देखिए आपका रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गई, दिखा होगा आपको, बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट विद इन लिस्ट, आपको रिफाइंड वे में डिस्प्ले करानी है, आपको समझ आया। अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर रही हूँ, जीरो प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए एग्जिट हो गए। अब हम चाहते हैं जो हमने रीड करवाया है, इस डिस्प्ले करवाया है, इसको थोड़ा सा हम रिफाइंड फॉर्म में डिस्प्ले कराएं। सो कैसे करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज करोगे, और आई इन आर ए सी रोल में क्या वैल्यू आ जाए जो आपकी आई की जीरोथ पोजीशन पे है, ठीक, नेम में क्या वैल्यू आ जाए जो आई की फर्स्ट पोजीशन पे है। बेटे आपको मैंने ये भी दिखाया था किस तरह से करना है, तो बेटा इसको आप कोरिलेट करिएगा, और मार्क्स किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहे थे, ठीक है, एंड देन उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है रोल, नेम में वैल्यू आई है एंड मार्क्स। सो एक बार ये एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एंटर रोल नंबर फॉर एग्जांपल वन, लेट्स से नेहा, एंटर मार्क्स 98। डू यू वांट, यस, रोल नंबर टू, ठीक है, आशा, मार्क्स 87, यस, एंटर द रोल नंबर थ्री, लेट्स से पूजा, एंटर मार्क्स 96। डू यू वांट, नो, आप क्या चाहते हो, आप इसको डिस्प्ले कराना, ये देखिए आपके पास वन नेहा 98, टू आशा 87, थ्री 96 मार्क्स डिस्प्ले हो गए हैं। इफ यू वांट कि थोड़ा सा सेंटर में आए तो आपको उस तरह से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, इफ यू वांट कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले होना चाहिए कि ये रोल नंबर है, नेम है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट स्टेटमेंट में के थ्रू आप बच्चे डिस्प्ले करा सकते हो। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं जो कहना चाह रही हूँ। ये देखिए
रिवाइज कर लेते हैं। रीड फंक्शन में आपने दो फंक्शंस क्रिएट करे हैं, रीड फंक्शन एंड राइट फंक्शन। राइट के थ्रू आपने पिकल का कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया है, फंक्शन यूज किया है पिकल मॉड्यूल का। आपने डंप को यूज किया है, आपने फाइल के अंदर डंप विद हेल्प द डंप फंक्शन आपने फाइल में रिकॉर्ड्स इनपुट करे हैं। सबसे पहले आपने लिस्ट में लिए हैं बिकॉज रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहते हो, एंड उसके बाद डंप किया है फाइल में और फाइल को क्लोज किया है। रीड फंक्शन क्या कर रहा है, फाइल रीड कर रहा है, तो आप लोड का यूज करेंगे। आप फाइल में जो डेटा गया है उसको आपने लोड के थ्रू किस में लोड कर दिया, REC वेरिएबल के अंदर लोड कर दिया। और विद द हेल्प ऑफ द आइटरेटर आप क्या कर रहे हैं, आप उसको डिस्प्ले करा रहे हैं और लास्ट में फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सिंपल हो जाती है कि किस तरह से हम रीड और राइट करेंगे। हम बाइनरी फाइल के ऑपरेशन नंबर 3 यानी अपेंड इन अ फाइल, अपेंड अ रिकॉर्ड इन अ फाइल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये देखिए आपने AB मोड यूज कर लिया, आर यू गेटिंग, AB मोड यूज कर लिया। अब यहां पे फाइल आपकी अपेंड मोड में चली गई है, ठीक है। नाउ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम अपेंड करेंगे बिकॉज यहाँ पे सी कमांड नहीं चलेगी, अपेंड मोड में आपकी सी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो उस केस में मैं यहाँ पे ट्राई फंक्शन का यूज करूंगी। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपको ध्यान होगा मैंने आपको कराया था एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ठीक है, ट्राई में आपने ये लिया, ब्लॉक का यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडल करना है आपको, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सी एक्सेप्शन हैंडल करना है, एंड ऑफ फाइल एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। सो अगर एंड ऑफ फाइल एरर आ जाती है तो यहाँ पे वो क्या करे, लूप को ब्रेक कर दे, ठीक है। व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन टिल द लास्ट पोजिशन, बिकॉज यहाँ पे सीक कमांड नहीं यूज होगी, ठीक है, आप करके देखिएगा। और लास्ट में मैं फाइल को क्लोज कर रही हूँ, तो अब ये एग्जीक्यूट करते हैं जरा। ओके, वेयर इनवैलिड इंडेक्स, हाँ व्हाइल में मुझे स्मॉल लेना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं नंबर 2, ये देखिए, ठीक है, नेहा, आशा, आशा, रितु, मुना, ठीक है। अपेंड मोड में डाला था, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे वो भी आपके रहे और जो हमने न्यू रिकॉर्ड्स डाले थे वो भी आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। अदरवाइज क्या होता, WB मोड में ये प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स थे वो ओवरराइट हो जाते। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, मैं एक बार इसे रिवाइज करवाती हूँ कि आप किस तरह से अपेंड करेंगे डेटा फाइल के अंदर। आपके पास सेम वही रीड फंक्शन था, राइट फंक्शन था, आपने एक मेन्यू क्रिएट किया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, राइट एंड रीड करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है राइट, राइट फंक्शन में हम राइट करा रहे हैं। अब यहाँ पे मोड हमने चेंज करके अपेंड मोड ले लिया है, सेम है, आपने लिस्ट ली है एंड देन उसके बाद आपने रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट कराया यूजर से, और विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट आप क्या कर रहे हैं, डंप करा रहे हैं फाइल के अंदर और लास्ट में फाइल को क्लोज कर रहे हैं। नाउ इस केस में आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आपने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज किया एक्सेप्शन हैंडलिंग में। वाई इन द केस ऑफ अपेंड मोड, वाई ऐसा क्यों किया है, बिकॉज सीक फंक्शन आपका अपेंड मोड में नहीं वर्क करता है। सो आपने ट्राई ब्लॉक लिया है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द फाइल टिल द एंड, तो आपने व्हाइल ट्रू लूप लिया है। आपने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज किया है, फाइल को लोड किया है, फिर विद द हेल्प ऑफ द आइटरेटर आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है आपका, एंड एक्सेप्शन हैंडल की है कि अगर फाइल एंड ऑफ फाइल हो गया है तो ब्रेक कर दो, इस लूप को ब्रेक कर दो, और लास्ट में आप क्या कर रहे हो, फाइल को क्लोज कर रहे हो। सो दिस इज द वे वी हैंडल द ऑपरेशन कॉल्ड अपेंड।
इन बाइनरी फाइल।